हेलो एवरीवन, मैं वंदना आपका स्वागत करती हूँ इतनी टेस्टी चाट के साथ। ये है रगड़ा चाट। इसको मैंने मटर से नहीं, छोले से बनाया है। ये पंजाब की स्पेशल डिश है। पंजाब में इस डिश को छोले के साथ ही बनाते हैं। वैसे ही मैंने आपके सामने इसको प्रेजेंट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चाट को बनाना। इस यम्मी एंड टैंगी चाट बनाने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। रगड़ा चाट बनाने के लिए ये हमने आधा किलो छोले लिए हैं। इनको हमने रात भर पानी में भिगो करके लिया है। अब हम इसमें डालेंगे लगभग आधा लीटर से थोड़ा ज़्यादा पानी, इतना कि ये जो है पूरे डूब जाएं। अच्छे से डूब जाना चाहिए और इनके ऊपर थोड़ा और पानी रहना चाहिए। ये देखिए, हमने छोलों को रख दिया है। अब इसको इस तरीके से एक प्लेट से ढक देंगे। इस तरीके से सारे झाग को हम, ये देखिए कितना सारा झाग आ गया है, इसको हटा देंगे। ये जो मैं कर रही हूँ ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो उसी समय प्रेशर कुक कर सकते हैं, लेकिन मैं जब भी छोले या मटर या दाल बनाती हूँ तो इसी तरीके से सारा झाग जो ये होता है इसको हम हटा देते हैं। पुराने ज़माने में इसी तरीके से दालों को, छोलों को और मटर को उबाला जाता था, तो वो हमें नुकसान नहीं करते थे। अब हम इसमें डालेंगे एनर्जी, जो कि हमारे छोलों को बॉयल होने में करेगा हेल्प। ये है हमारा सफ़ेद वाला नमक। इस तरीके से एक चम्मच भर करके इसमें डाल देंगे और अब इसको प्रेशर कुक कर लेंगे। प्रेशर कुकर में एक सीटी आने तक हम फुल फ्लेम रखेंगे। उसके बाद गैस को हम कर देंगे मीडियम, और मीडियम गैस पर कम से कम 3 से 4 सीटी आने तक इसको हम प्रेशर कुक करेंगे। ये देखिए छोले हमारे बहुत ही अच्छे से बॉयल हो चुके हैं, कितने अच्छे से प्रेस हो रहे हैं। अब हम इसे अपनी चाट तैयार करेंगे। अब हम बनाएंगे खट्टी वाली चटनी, जो चाट वाले हमारे देते हैं चाट के ऊपर डाल करके। उसके लिए हमने लिया है एक बड़ा सा बंच ये हरे धनिया का, इसको हमने साफ़ करके ले लिया है। और ये कुछ भुने हुए चने लिए हैं हमने, इसके साथ एक मोटी मिर्च ली है, और ये 8 से 10 हरी मिर्च ली हैं, एक नींबू का टुकड़ा लिया है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। इसको अच्छे से ग्राइंड करके हम ग्रीन वाली स्पाइसी चटनी तैयार करेंगे। ये देखिए, इसमें हमने मोटा वाला मिर्च, हरी मिर्च, अदरक, धनिया और नींबू इस तरीके से एक साथ डाल देंगे। और अब इसके ऊपर से हम ये डाल देंगे ये चना। अब इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून नमक और इसका हम तैयार करेंगे पेस्ट। ये देखिए कितनी टेस्टी टैंगी कलरफुल चटनी बनकर हमारी तैयार हो गई। आ गया ना मुँह में पानी। अब हम इसकी पेटीज तैयार करेंगे। उसके लिए हमने लिए हैं 4 से 5 आलू, और इस तरीके से अच्छे से मैश कर लेंगे। ये देखिए सारे आलू बहुत ही अच्छे से मैश हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर डालेंगे अपना मसाला। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून, भुना हुआ जीरा पाउडर 1/4 टीस्पून। अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून डालेंगे इसमें लाल नमक पाउडर और स्वादानुसार सफ़ेद नमक, भुना हुआ धनिया पाउडर। सारी चीज़ों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अब इसकी हम पेटीज तैयार करेंगे। सारी पेटीज बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे। पैन को हमने गर्म कर लिया है, थोड़ा सा उसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब हम जो हमने पेटीज रेडी की हैं उनको इस तरीके से पैन पर रख दें। जब तक ये हमारी पेटी सीख रही हैं तब तक हम अपना रगड़ा भी तैयार कर लेंगे। इसको अलट पलट कर अच्छे से सेकेंगे। जब दूसरी तरफ इसको पलटेंगे तो पलटने से पहले इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और लगा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब रगड़ा बनाना। रगड़ा बनाने के लिए हमने एक पैन को गर्म कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे अपना कुकिंग ऑयल।
तेल गर्म होने के बाद डाल देंगे इसमें 2 पिंचेस हल्दी। अब इसमें ये जो छोले हमने अच्छे से बॉयल करके रखे थे उनको डाल देंगे। ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। छोले डालने से पहले उनको थोड़ा सा मैश जरूर कर लीजिएगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 कटोरी पानी। छोलों को डालने के बाद इसमें हमने 1/2 कटोरी पानी डाल दिया था, छोलों को अच्छे से मैश भी कर लिया था हमने इसमें। अब हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक। नमक का ध्यान रखें, हम पहले भी नमक डाल चुके हैं, चटनी में भी नमक होता है, तो नमक को थोड़ा थोड़ा करके डालें। अब इसको एक बॉयल आने तक पका लें। ये देखिए जो हमने पेटीज बनाई थी वो एक साइड से अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब इस तरीके से हम इसको एक एक करके पलट देंगे ध्यान से। हमारी सारी टिक्कियां अच्छे से सिख चुकी हैं और हमारा रगड़ा भी तैयार हो गया है। अब हम बनाएंगे अपनी चाट। ये देखिए हमने एक आलू को छील करके ले लिया है। अब हम इस तरीके से इसको क्रश कर लेंगे। जो हमारी नमकीन होती है उसको हम मार्केट से भी ले सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से इसके ऊपर इस तरीके से सेव बना करके डालेंगे, ये बहुत ही अच्छे लगेंगे, क्रंची बनेंगे एकदम। ये देखिए सारे आलू जो थे वो हमने इस तरीके से क्रश कर लिए हैं आलूओं को। अब कढ़ाई गर्म होने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से डाल देंगे और इन लच्छों को सेक लेंगे। ये देखिए आलू के जो हमने सेव भुजिया बनाई थी कितनी अच्छी बनी है, कितनी क्रंची है, इस तरीके से तोड़कर देखिए बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है। और मैंने कुछ मसाले भी ले लिए हैं, इनको भी मैंने भून कर ले लिया है। ये है धनिया पाउडर, इसको मैंने रोस्ट कर लिया था। ये भुना हुआ जीरा पाउडर है और लाल मिर्च को भी थोड़ा सा तवे पर फ्राई कर लें उसके बाद ही डालें। ये है हमारा लाल वाला नमक। चाट के लिए ये मैंने इमली की चटनी बनाई है, इसकी रेसिपी मेरी अगली वीडियो में आपको मिल जाएगी। और ये चटनी हरी वाली चटनी और ये दही, ताज़ा फिटा हुआ दही बहुत ही अच्छे से फेंट के ले लिया है और इसमें मैंने 1/2 टीस्पून शुगर भी ऐड कर लिया है। इसी तरीके का दही बनाते हैं चाट वाले, वैसा ही मैंने भी बनाया है। चाट को बहुत ही अच्छे से गार्निश करने के लिए हमने लिया है ये प्याज कट करके लिया है, बारीक पत्ता गोभी कट करके लिया है, हरा धनिया, मूली क्रश की है, कुछ टमाटर कट करके ले लिए हैं, 8 से 10 हरी मिर्च और अनारदाना। अनारदाना बहुत ही अच्छा लगता है, अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन जब भी हम चाट बनाते हैं तो उसके ऊपर अनारदाना डाल स्वाद बहुत ही अच्छा आता है और लोग कहेंगे वाह वाह वाह। थोड़ी सी हमने बूंदी भी ली है, इसको भी हम अपनी चाट पे डालेंगे। हमने एक सुंदर सी प्लेट ले ली है, अब हम उसमें डालेंगे अपना ये तैयार किया हुआ रगड़ा। वाव, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। इसके ऊपर रगड़ा डालने के बाद हम अपनी पेटीज को इस तरीके से रख लेंगे। अब इसमें जो हमने रोस्टेड मसाले लिए थे उनको डाल देंगे, तो 2 पिंचेस इस तरीके से डालेंगे हम धनिया पाउडर, 2 पिंचेस लाल नमक, 2 पिंचेस ये लाल मिर्च पाउडर और भुना हुआ जीरा पाउडर। सारी चीज़ें इस तरीके से अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। सबसे पहले इसमें जाएगा ये गाढ़ा फिटा हुआ मीठा वाला हमारा दही। इसके बाद इसमें हम डालेंगे ये ग्रीन चटनी। वाव, इस तरीके से। अब ये मीठी वाली चटनी, बारीक चॉप किया हुआ थोड़ा सा प्याज इसके ऊपर डालेंगे इस तरीके से, पत्ता गोभी, ग्रीन चिली,
टमाटर, ये मूली, धनिया हरा वाला, इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, इसको ज़रूर डाल। इसके बाद ये जो नमकीन हमने अपनी घर मट पे तैयार की है, ये घर पर तैयार की हुई अच्छे से डाल देंगे नमकीन। वाह, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है हमारी टिक्की, बहुत ही अच्छी लग रही है खाने और देखने में। अब इस पे हम ये बूंदी भी डाल देंगे थोड़ी सी। इसके बाद इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा ये अनारदाना। इसके ऊपर एक बार फिर से थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, भुना हुआ धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल नमक और लाल मिर्च स्वादानुसार डाल देंगे। ये देखिए हमारी यम्मी टेस्टी रगड़ा चाट बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से बनाइए रगड़ा चाट, बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनेगी। इसी तरीके की रेसिपी पाने के लिए मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सकें। मेरे वीडियोज़ को करिए लाइक और शेयर।